हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नव भारती फैमिली। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड वी विल स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री। और 11th का जो चैप्टर है वो सेकंड चल रहा है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये लेक्चर फोर्थ है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज स्टडी ऑफ एनोड रेज, और साथ ही हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो कि कम ही बच्चों को पता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, उनका नाम है गोल्डस्टीन, जिसको ई गोल्डस्टीन भी बोलते हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? देखो, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। बेसिकली गोल्डस्टीन ने क्या किया, कुछ इस तरीके का सेटअप किया था। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि तो गोल्डस्टीन है वो उनके दिमाग में सिर्फ एक बात ये थी कि अगर कोई एटम है, और आपको पता है जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, तो और कोई भी एटम जो है उसको न्यूट्रल कौन बनाता है? बराबर मात्रा में पॉजिटिव और बराबर मात्रा में नेगेटिव, ये दोनों जब कैंसिल आउट होते हैं तो कोई एटम हो जाता है न्यूट्रल, या कोई भी चीज हो जाती है न्यूट्रल। तो जब यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की खोज किसने कर दी थी, नेगेटिव चार्ज की खोज किसने की थी, सर जे जे थॉम्सन ने। तो आपके जो गोल्डस्टीन जी थे, इनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा, क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो इनके दिमाग में कीड़ा था, तो इन्होंने क्या किया, सेम वही सेटअप किया। इन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, वही कांच की ट्यूब सारी, वही बैटरी। बस उन्होंने क्या चेंजेस किए, इन्होंने कैथोड की जगह, जो कैथोड प्लेट थी, कैथोड इलेक्ट्रोड था, उसकी जगह इन्होंने क्या किया, जो आपका परफोरेटेड जो ट्यूब होती है, परफोरेटेड जो प्लेट होती है, किसी प्लेट के अंदर छेद होना, तो इन्होंने वो लगा दिया। अब उन्होंने क्या देखा, पूरा सेटअप इन्होंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, और इन्होंने क्या देखा कि सेम वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो क्या रहा है, कैथोड की तरफ से जो है रे आ रही है। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी चीज हो गई, कैथोड की तरफ से रे आ रही है। पर उन्होंने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में यहाँ पर कुछ लाइट लाइट सा दिख रहा था उनको। इस सिचुएशन में उन्होंने दिमाग लगा लिया कि अगर यहाँ पर लाइट जल रही है तो जरूर कुछ ना कुछ जो रोशनी है वो यहाँ से आ रही होगी, कोई ना कोई जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से आ रहे होंगे, तभी तो इस एरिया में लाइट है। आप देखो, जब सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है तो पूरा लाइट अप हो जाता है ना सिस्टम, वैसे ही सामने से अगर पार्टिकल्स आ रहे हैं तभी तो यहाँ पर जो है लाइट अप हो रहा है। मतलब उनके दिमाग में आ गया कि एनोड की तरफ से भी कोई रे आ रही है, और उन्होंने ये भी सोचा कि जब कैथोड की तरफ से रे आ रही है तो एनोड की तरफ से भी आ सकती है। तो ये दिमाग उन्होंने लगाया। अब हुआ क्या है, जनरली इस ट्यूब के अंदर क्या चीज हुई है कि इस ट्यूब के अंदर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के अंदर आपको पता है वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन होता है, जो कि हमें अब पता है, पहले नहीं पता था। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, बेसिकली जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर, इसके आसपास कौन सी रे आई है, कैथोड रे। और इस जो कैथोड रे ने इस एटम को पेनिट्रेट कर दिया, और इसके अंदर से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन था ये किसकी तरफ भागा, एनोड की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये किसकी तरफ भागा, एनोड की तरफ। ठीक है, अब साथ में जो ये एटम था जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसके अंदर क्या रह गया, होल। और उस होल को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। आप आगे जाके जब इंजीनियरिंग करोगे या आगे जब केमिस्ट्री की डीप स्टडी करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन नाम का कोई अलग वर्ड नहीं होता है। हम होल को, मतलब एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए और पीछे जो बच जाए ना होल, उसे ही हम पॉजिटिव चार्ज या उसे ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होल बच गया वो था पॉजिटिव, मतलब जो ये एटम था ये कैसा हो गया, ये आयनाइज हो गया पॉजिटिव चार्ज में। और जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स थे ये किसकी तरफ आए, ये कैथोड की तरफ आए, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव है। और कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो इस छेद में से निकल गए और यहाँ पर पूरा लाइट अप हो गए। तो इस तरीके से सर, जो ये अपने गोल्डस्टीन जी थे, उन्होंने दिमाग लगा लिया कि भाई एनोड की तरफ से रे आ रही है, और रे कैसे आ रही है, बिल्कुल जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर का जो एटम है उसको उसने आयनाइज कर दिया है कैथोड रे ने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर, और अंदर क्या बच गया, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव सिस्टम पूरा बच गया है, पॉजिटिव आयन बच गया है। तो ऐसे करके उन्होंने ये जो है नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया, जो पॉजिटिव पार्टिकल जा रहे थे, पॉजिटिव जो चार्ज आ रहा था उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। और साथ ही इसको एनोड रे क्यों कहा जाता है, बेसिकली एनोड रे नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्यों कहा जाता है एनोड, क्योंकि एनोड की डायरेक्शन से वो जो है
ये जो बेसिकली पार्टिकल्स आ रहे थे वो एनोड की डायरेक्शन से आ रहे थे, इसलिए इसको एनोड रेज बोला जाता है, या फिर इसे कैनाल रे भी बोलते हैं, कैनाल रे भी बोलते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। कुछ नहीं हुआ है, दोबारा आपको हल्का सा बता देती हूँ। अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये जो प्लेट है ग्रीन वाली, इसमें से कैथोड रे निकल रही है। ये जो हाइड्रोजन के एटम है ये न्यूट्रल है, इस जो कैथोड रे है इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भागा एनोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो इसके अंदर होल बच गया, जो कि पॉजिटिव चार्ज बच गया, वो भागा इस कैथोड की तरफ, यानी ये जो ग्रीन प्लेट है उसकी तरफ। और कुछ जो इसके पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज थे, वो इस छेद से निकल कर यहाँ पर ये बिल्कुल लाइटन अप हो गए, एकदम चमक कर रोशनी हमें दिखाई देने लगी। तो इस तरीके से पूरा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो चलो अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हुई। तो गोल्डस्टीन ने ये दिमाग लगा लिया कि भाई प्रोटोन तो है, ठीक है, और उसने इसको कैनाल रे भी बोला, और साथ में ये भी बोला, क्या बोला इसने, एनोड रे भी बोला। एनोड रे सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि एनोड की डायरेक्शन से वो रे आ रही थी, ना कि एनोड से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, बट द क्वेश्चन इज, आर द एनोड रेज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एनोड? नहीं, हमेशा मैंने आपको अभी बताया कि वो जो है बिल्कुल एनोड की तरफ से नहीं आ रही थी, सिर्फ डायरेक्शन से आ रही थी, ना कि एनोड से आ रही थी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो एनोड की डायरेक्शन से आ रही थी, उस साइड से आ रही थी, ना कि एनोड से आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सेटअप था। एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ द गैस, जो गैस भरी हुई है इसके, उसके आयनाइजेशन से ही एनोड रेज बनती हैं, जो कि मैंने आपको पूरा उधर समझा दिया है। यहाँ पर ये नया सेटअप है उस तरीके से, ये आप देख लो, यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी हमने लगा दी, ये पूरा बिल्कुल वैसे ही सेटअप है, ठीक है ना। मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छी तरीके से। अब आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे एनोड पर भी, और ये देखा गया था कि जो एनोड रे है बेसिकली वो जो इसके अंदर गैस भरी हुई है उस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ ना, वैसा है कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन के मास के लिए या प्रोटॉन के बेसिकली चार्ज के लिए नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये इजी था प्रोटॉन का निकालना, क्या, चार्ज और मास। सिंपल ये कह दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली था उसका चार्ज क्या था, माइनस में था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन का चार्ज किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और वैल्यू रहेगी सेम, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। तो ये सिंपल कह दिया गया इसके चार्ज के नाम पे। बात करें मास की, तो मास निकालना भी बहुत ईजी था। कैसे निकला है मास इसका, प्रोटोन का, कि उस टाइम तक हमें हाइड्रोजन का जो मास है वो पता था, हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी निकल चुका था। और आपको पता है हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास हमें ऑलरेडी पता था, निकाल चुके थे हम, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रॉन का मास और हाइड्रोजन का मास, बेसिकली हाइड्रोजन का मास हमें मिल चुका था उस टाइम, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दें तो पीछे बचेगा पॉजिटिव जो है उसका मास, यानी प्रोटोन का मास, ठीक है। तो ऐसे करके प्रोटोन का मास क्या निकल के आया, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। इस तरीके से प्रोटोन का मास निकल के आ गया, जो कि नियरली था हाइड्रोजन एटम के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है। इस तरीके से निकल के आया प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि कैसे हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। और मैं आपको बता दूं ना कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना वो बहुत ही ज्यादा बाद में हुई थी, बिल्कुल बाद में हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ, कि आपको याद होगा मैडम क्यूरी जो है अल्फा पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रही थी। मैडम क्यूरी जो कि लेडी गागा भी जिन्हें बोलते हैं, आई थिंक, हाँ लेडी गागा ही बोलते होंगे, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मैडम क्यूरी थी उनकी अल्फा पार्टिकल की खोज करते हुए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये, तो उसके कारण कैंसर से जो है मैडम क्यूरी की डेथ हो गई थी। तो अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल थे। तो उसका इलाज ढूंढने के लिए बेसिकली जो जेम्स चैडविक है ना वो खोज कर रहे थे, किसका इलाज ढूंढने के लिए, अल्फा पार्टिकल का कुछ रिप्लेसमेंट के लिए। अब आप देखो, अगर आप बुलेट से बचना चाहते हो, जो गोली है बंदूक की उससे बचना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, बुलेट शीट, ताकि ये गोली जो है
इस बुलेट से बाहर ना जा पाए। वैसे ही जेम्स चैडविक इस चीज पे खोज कर रहे थे कि कोई अल्फा पार्टिकल का कुछ जुगाड़ मिल जाए जिससे कि अल्फा पार्टिकल उस मेटल को या उस शीट को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। तो वो इस चीज की खोज करते करते उनको न्यूट्रॉन मिल गया। उस चीज की खोज करते करते उनको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। तो बेसिकली जो खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रॉन था, वो किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। वो कर तो रहे थे अल्फा का कुछ अल्टरनेटिव की खोज कर रहे थे कि भाई ऐसा चीज मिल जाए हमें जो कि अल्फा जिसको पेनिट्रेट ना कर पाए, हम अल्फा से बहुत हार्मफुल है तो उससे सुरक्षित कैसे रह जाए। बेसिकली वो इस चीज की नीड देख रहे थे। बट उन्होंने क्या कर दिया? न्यूट्रॉन की खोज कर दी। तो देखिए क्या किया उन्होंने, सेटअप क्या किया बेसिकली उन्होंने, ये सेटअप लगाया। इस सेटअप में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने उनको तो बस ये देखना था कि कुछ ऐसी शीट मिल जाए जिससे कि जो ये अल्फा पार्टिकल है, बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा की रे निकल रही है, अल्फा रेज निकल रही है, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक शीट लगा दी, ठीक है। ये शीट आपको दिख रही होगी, ये शीट है बेरिलियम की, ठीक है। ये जो है शीट है वो बेरिलियम की है। तो उन्होंने ये शीट लगा दी और वो ये सोच रहे थे कि जो ये शीट है ना, इससे अल्फा पार्टिकल जब जाएगा ना तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ये अल्फा पार्टिकल इस शीट को मतलब छेद करके बाहर नहीं निकल पाएगा। उनके दिमाग में ये पॉइंट था तो वो बस इसी को टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा इस सेशन में कि जैसे अल्फा सोर्स से पार्टिकल निकल रहे हैं, रेज निकल रही हैं, तो ये जो दीवार है, ये जो बेसिकली मेटल का जो ये शीट है ना, या फिर ये जो दीवार है, इसमें से बेसिकली क्या निकल रहा था? इसमें से निकल रहे थे कुछ पार्टिकल्स। तब तक उसको नाम नहीं दिया गया था। हम तो कह रहे हैं न्यूट्रॉन निकला था, अब हम जानते हैं, बट उस टाइम तक इसको कुछ नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये हुआ कि यार ये पार्टिकल जो निकल रहे हैं ये कौन से हैं? उनको उनके दिमाग में लगा कि शायद इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सर जेजे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की जो है खोज कर ली थी उस टाइम। तो उन्होंने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, फिर भी उनके दिमाग में ये हुआ कि अपन चेक करते हैं कि जो ये पार्टिकल निकल रहे हैं इस दीवार से या इस शीट से, वो कौन से निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी यहाँ साइड में, या मैं बोलूँ इस चैम्बर में, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। इस चैम्बर में उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी जहाँ पर क्या था, मान लो कि ये आ रही है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। और यहाँ पर इसने बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से बैटरी लगा दी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये पार्टिकल्स हैं वो ना तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई जो बेसिकली न्यूट्रल चार्ज है, जो ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उन्होंने नाम दिया उसको न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन्स। इन्होंने आगे क्या किया, अपनी मतलब जो सेटिस्फिकेशन को बढ़ाने के लिए, एकदम सेटिस्फाई होने के लिए, यहाँ पर उन्होंने लगा दिया पैराफिन वैक्स। प्रोटोन बहुत ज्यादा था इसके अंदर, ये पूरा भरा हुआ था, जो पैराफिन वैक्स है वो प्रोटोन से भरा हुआ था। तो क्या हुआ, जो यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे थे ना, जो कि बाद में साबित हुए कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इन्होंने पैराफिन वैक्स में से इस प्रोटोन को बाहर निकाल दिया। मतलब इतना दम था इनमें कि इसने इस पैराफिन वैक्स में जो भरा हुआ था ना प्रोटोन, उसको बाहर निकाल दिया। और हमने ये डिटेक्ट कर लिया डिटेक्टर से, क्योंकि ये डिटेक्टर क्या था, ये या तो पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट कर सकता था या फिर नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट कर सकता था। और उसने क्या देख लिया कि इस डिटेक्टर से क्या पता चल रहा है, निकल रहे हैं जो ये न्यूट्रॉन है, इसने इस पैराफिन वैक्स में से इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। क्योंकि आपको पता है ये पैराफिन वैक्स जो था, इसके अंदर प्रोटॉन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में थे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ने, जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स थे बेसिकली, इन्होंने इस पैराफिन वैक्स में से प्रोटोन को बाहर निकाल दिया और हमने डिटेक्ट कर लिया इस डिटेक्टर से, क्योंकि जो डिटेक्टर था वो ओनली या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को ही डिटेक्ट कर सकता था। ऐसे करके ये पूरा सेटअप था। और जैसे ही जो ये डिस्कवरी पूरी हुई तो हमें पता चला कि न्यूट्रॉन जैसी चीज भी होती है। और हमें किसने बताई? जेम्स चैडविक ने। तो आई होप आपको ये न्यूट्रॉन का भी पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारे चार्ज, सारे मास, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, है ना, क्या क्या रहते हैं। चलो अच्छा मुझे बताओ, न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो, हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो रहता है, तभी तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर देखो, सब कुछ चीजें समराइज हो गई हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन जी ने, सर जेजे थॉमसन ने। चार्ज क्या है?
1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, वो भी माइनस का, ठीक है, रिलेटिवली चार्ज -1, ठीक है, और मास क्या है बेसिकली 9.1 × 10⁻³¹ kg, और सिंबल क्या है ई। दूसरा बात करूं मैं अगर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को खबर किसने की थी खोज, गोल्डस्टीन ने। चार्ज क्या था पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻¹⁹, रिलेटिव चार्ज +1, मास क्या था 1.6726 × 10⁻²⁷ kg, और सिंबल क्या था पी। ठीक है, बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। चार्ज कैसा 0, रिलेटिव चार्ज क्या 0, मास कितना बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर 1.6729 × 10⁻²⁷ kg, और सिंबल क्या था एन। एक चीज और मैं आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताऊं ना, तो क्या हुआ था कि एक चीज और लोगों के मन में जिज्ञासा कैसे हुई कि भाई न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज है, कि उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो है एक, है ना, हीलियम का जो मास है वो है कितना चार। वापस बताती हूँ आपको, एक सेकंड। हीलियम का जो बेसिकली मास था वो चार निकल के आ रहा था, वैसे ही जो लिथियम का मास था वो निकल के आ रहा था 7। तो इन्होंने देखा कि भाई अगर सिर्फ प्रोटॉन है किसी भी एटम में के अंदर, इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है बेसिकली मास में उसके, तो हम सिर्फ प्रोटॉन को कंसिडर करते हैं बेसिकली, और अब जो हम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को कंसिडर करने लगे हैं, लेकिन उस टाइम लोग सोचते थे कि सिर्फ प्रोटॉन ही है। तो अगर एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में तो ठीक है, हीलियम में कितने हैं, 2 प्रोटॉन है तो उसका मास भी 2 होना चाहिए, लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो 3 ही मास होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या देखा कि मास जो है बढ़ रहा है, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 4, लिथियम में 7, मतलब कि कुछ ना कुछ एडिशन में है, कुछ ना कुछ एडिशन में है। वो पहले सिर्फ हाइड्रोजन को रिलेट करके चल रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन था, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो कोई था ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन को रिलेट करके चले। बाद में पता चला, उनके दिमाग में आया कि जो ये वेट बढ़ रहा है, जो ये मास का वेट बढ़ रहा है ना, ये न्यूट्रॉन के कारण बढ़ रहा है। बात समझ में आई? और उसके बाद से मास हम कैसे निकालने लगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैसे निकालने लगे हम, मास मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे करके हम मास निकालने लगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हो, और हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नई चीज़ें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।